हेलो हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। मुझे ऐसा लग रहा है वानिका चिल्ला रही है बार बार, मुझे भी जाना है स्कूल भाई के साथ में। हाँ कन्नू के लिए चने लेकर गया था क्या? हाँ, तो चने नहीं लिए, नहीं पीता, ये कद्दू दुआ गला कद्दू दुआ गला। चलो भाई, एक दो कद्दू दिलवा दो, वो कद्दू सारे के सारे एक साथ खा लेता है, इसलिए उसे कमी दिलवाते कद्दू। क्या लिया आज तुमने? कद्दू ले लिए, दिखाओ। ज्यादा नहीं खाने, कम ही खाने। स्कूल में जाके खाएगा। चलो रखो, उसमें बैग में रखो। गाड़ी आ गई तुम्हारी, आगे गाड़ी। और ये वो देख, अंशुमन भी घूम रहे भारी। उधर कन्नू की जो बस है वो आ चुकी है उधर से, और अविसी अब तक निकली नहीं है घर से, तो अविसी को बुलाने जा रहा है क्योंकि उसी की गोदी में बैठ के जाता है ना। अविसी गाड़ी आ रही है। आपकी गाड़ी आ गई है, चोट लग गई? चलो चलो जल्दी आ जाओ, गाड़ी आ गई, आ गई गाड़ी। बाय बाय बाय। आज क्या बनाया है वो भी खाने में, लंच में? हंसी आने का मतलब समझ गया मैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। डबल पराठे बन रहे हैं आपके लिए आलू के, समझ गए आप? वो जो रात की सब्जी आलू की थी, वो जो मैंने नहीं खाई थी, वही सब्जी, उसके पराठे बना बना के। ये सजा है मेरी, अगर मैं रात को सब्जी नहीं खाता हूँ, फिनिश करता हूँ, तो उसी सब्जी के बची हुई गई है आलू में डाल के, रोटी में डाल के पराठे बना देती है, तो आलू के पराठे हो जाते हैं, है ना। और ये मैश रखा हुआ, इससे मैश करके। भाई वाह भगवान, क्या होगा मेरा, मुझे समझ नहीं आ रहा। थोड़ी सी तो बचत करनी चाहिए कहीं को। आइए आज आपको लेकर के चलते हैं कन्नू के पापा की पाठशाला में, और यहाँ पर ये सभी पढ़ते थे। कन्नू के पापा, कन्नू की बुआ जी, संजो दीदी, मंजो दीदी, जूली दीदी, और ये देखिए डिजाइन किस तरीके का है यहाँ का, बहुत ही अच्छा डिजाइन लग रहा है। और ये है यहाँ की सीढ़ियाँ। ये है मेरा स्कूल, और इसका नाम है शिव शिक्षा सदन पूरा। तो ये स्कूल है, तो मैं यहाँ पे पांचवी क्लास तक पढ़ा हूँ। यहाँ पर बहुत भीड़ रहती थी, हमारे हेड मास्टर जी वहाँ बैठते थे उस कमरे में, और जूनियर मास्टर जी इस कमरे में बैठते थे, और जूनियर मास्टर जी इसको बोलते हैं चुपार। मैडम की तो भड़क रहे, मैडम की तो। हाँ, एक मैडम भी पढ़ाते थे हमें, और हम बाहर ही बैठे रहते थे पढ़ने के लिए, और जिसकी भी पिटाई होती थी इस पेड़ से कम से टूटती थी, बढ़िया इस पेड़ में से कम से टूटती थी। ये काफी बड़ा पेड़ हो गया, अब तो आदमी नहीं जाएगा किसी का, ये देखिए। और ये वाला जिन्ना है ना, जिन्ना ये सीढ़ी जो लगी हुई है इस पर चढ़ना सख्त मना था। कन्नू आप, और जो भी चढ़ता था उसको क्या होता था? नहीं, मना करते थे, चढ़ना नहीं है। और यहाँ पर हमारी भक्ति प्रार्थना, और यहाँ पर मास्टर जी खड़े होते थे इस लाइन में, और यहाँ पर हम खड़े होते थे, और सबसे पहले तो उन लोगों की जांच होती थी जो नहाकर नहीं आते थे, उनकी इंक्वायरी होती थी, पहले तो देखे थे कौन कौन नहा के नहीं आया, हाथ खड़े कर लो, कौन खड़े कर दो, कोई भी हाथ नहीं खड़े कर दो। गलती से एक हाथ जो ज्यादा बेकार सा लगता था, सच्चाई जिसकी सच्चाई उसके अंदर होती थी। प्रार्थना हमारी जो थी ना, यह प्रार्थना यहाँ पर है, मैं शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, ये वाली प्रार्थना हमारी, ठीक है। आज भी याद है आपके पापा को, देख लो 20 साल हो गए होंगे लगभग लगभग इस प्रार्थना को गाए, और फिर राष्ट्र में राष्ट्रीय गान होता था यहाँ पे। लकड़ी वाले ये बाद में लगाए सपोर्ट देने के लिए, कभी टूट जाए नहीं, तो पहले ना हमारे आगे थे नहीं, हमारे आगे बस ये लकड़ी के, ये लकड़ी का है, ये लकड़ी का है, लकड़ी का बना हुआ है। और छत देखो, छत कैसी है इसकी, हमारे घर की है। चलो यहाँ, अब क्या हुआ, कोरोना काल में जो टीचर थे ये एक्सपायर हो गए थे, जिसके कारण ये स्कूल बंद हो गया। तो जो भी इनके अदर टीचर थे ना, वो सब नहीं रहे, अब चले गए, तो कोई नहीं बचा, तो इसलिए स्कूल बंद हो गया। अब चलाने वाला स्कूल को कोई नहीं है, तो इसलिए स्कूल भी चलता भी है, बंद हो गया, इसीलिए कन्नू को कहीं और भेजना पड़ता है मुझे, दूसरे स्कूल में, नहीं तो कन्नू को इसी स्कूल में पढ़ाता। हाँ, ये स्कूल वाकई में बहुत अच्छा है। और एक कमरा ये है इधर, इसमें फर्श रखते थे ये, और एक ये देखिए कितने अच्छे अच्छे डिजाइन है, सारे खराब हो गए। अभी आपने देख लिया है कन्नू के पापा का स्कूल, और फिर हम आपको कल की वीडियो में जरूर दिखाएंगे कन्नू के पापा जहाँ पे पशु रखते थे अपने सारे के सारे, कहाँ पे रखते थे गाय भैंस, और किस तरीके से मैनेज करते थे अपना काम, वो भी बताएंगे कहाँ पे क्या रखते थे। तो जी चलिए आपको कल दिखाते हैं अगली वीडियो में उनका घेर का सारा हाल। अंशी ने ये बनाई है आज राजमा की सब्जी, और ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनाई है इसने, और ये चमचे से रिदेगी नहीं तो खिंड जाएगी। यार ना चमचा गंदा करने की वजह से ऐसे ही रिता रही थी, देखने में तो बहुत टेस्ट लग रही है, पता नहीं खाने में कैसी लगेगी। तो आज
सब बताएंगे राजमा की सब्जी कैसी बनेगी। पहले तो मैं रोटियां बना देती हूँ। ये देखिए पिताजी लेकर के आए पालक, और पालक ला करके पिताजी ने यहाँ पे रख दिया है। तो ये सारा का सारा साफ करना है, साफ करके बाल्टी में डालना है, बाल्टी में धो करके फिर ये काटना है। ये पालक मैंने साफ कर लिया, और तो ये देखिए कितना कूड़ा निकला है। और वे ताऊ जी ये कह रहे थे कि है ना हम अपने घर पे ही बोते हैं ये पालक, और ताजी ताजी काट के लाया हूँ, अगर लेना हो तो ले लो नहीं तो मैं जा रहा। तो फिर बाल्टी में धोया बढ़िया साग। तो आज धूप है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, और कपड़े सारे के सारे सूख ही गए हैं करीब करीब। तो बस अब इन थोड़ी देर में इनको उतार लेंगे। और मानिका हमारी आज नई नई करके सो गई है, और ये वाला फ्रॉक पहना है। अब मम्मी को हो गई है बहुत ही ज़्यादा खांसी, और खांसी में ही है ना डाबर हनी टेस्ट के अलावा और कुछ भी दवाई नहीं लेती है उनसे। इनको एलोपैथिक दवाई से इनको ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाते हैं और इनकी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए ये लेती है सिर्फ डाबर हनी टेस्ट। वानिका है ना अभी सो रही थी तो ये जग गई है, और मैं इसको लेकर के थोड़ी देर के लिए बाहर आई हूँ, है ना वानिका। तो है ना स्कूल से आने के बाद मैं एकदम से कपड़े चेंज करा करके बाहर चला गया अपने दोस्तों के पास, और शायद इधर ही आ रहे हैं। अब क्यों आए आप? आपको तो अपने घर खेलना अच्छा लगता है। मैं इसके पास गई थी कन्नू के पास इनके घर पे, और मैं बोलने लगी बेटा चलो हमारे घर खेलना, तो ये कहने लगा नहीं मुझे तो अपने घर ही खेलना अच्छा लगता है। अभी आ गई है इसको खिलाने की बारी अंसी की। अंसी खिला रही है इसको वानिका को, और ये देखिए किस तरह देख रही है अपने भाइयों को दोनों को, आर्यांश को और कन्नू को, दोनों को देखी जा रही है ये। और दोनों ने अपने बैट एक्सचेंज कर लिए हैं और खेले जा रहे हैं, लगा किसी से नहीं। कन्नू को मैचिंग दे दी है सबसे पहले अविशी ने, और ये देखते हैं सही मैचिंग करता है या नहीं करता है। और इस लाइन में कहा है, इस वाली लाइन में और एक कहा है, इसके जैसे कहा है अक्षर, तो इससे ऐसे मिलान करो। वेरी गुड, ये खुद मिलाएगा अविशी, इसको पता है। अब देखो बी ये रहा, अब इस लाइन में ढूंढो कि बी कहाँ है। चार में से चार नंबर मिलेंगे ना, एक नंबर का एक है। हटो। और इधर अंशी टीवी देख रही है अपना सीरियल ये देखिए, और इधर वानिका खेल रही है अपनी ताई जी की गोद में। वानिका भूख नहीं लगी बेटा? आइसक्रीम ले आया आगा, आइसक्रीम वानिका को मत खिलाना सर्दी लग जाएगी उसको। बेटा आइसक्रीम नहीं खिलाते वानिका को। मम्मी। हाँ मम्मी। कहाँ से लाए आप आइसक्रीम? मम्मी अरे अरे आज तो वानिका को आइसक्रीम खिला दी, सबको आइसक्रीम खिला दी, मुझे भी खिला दो थोड़ी सी आइसक्रीम। कन्नू के पापा आ गए हैं ड्यूटी से आज जल्दी, 7:30 बजे है अभी, करना पड़ेगा। ये कह रहा कि अभी सरप्राइज लेके आओ। ये क्या होता है भाई, रात कभी कभी भूल भी तो जाते हैं। अच्छा इतनी देर भागे आए तो वहां से मेरी बाइक की आवाज सुनते ही रास्ते में पानी पड़ा था, पानी पे वो उतर गए। पता क्या करा तुम्हारे लिए तो मैं भाग के आ जाऊंगा इस समय ऐसे ही। अच्छा आप एक बात तो बताओ, और आते ही मेरी डिग्गी खोल दी नहीं वाली। हाँ। सरप्राइज देखो इसमें तुम्हारे लिए टिफिन है खाना खाने वाला मेरे जो, ये नहीं चाहिए। और इसमें सरप्राइज भी है देखने ध्यान से। क्या सरप्राइज है? ये सरप्राइज है। वाओ ये क्या है? इसका ना एक्टिविटी का वर्क होना है उसे फेविकोल के पास में, तुम्हें फेविकोल की एक सीसी ले आया, और इस पे मैं इसे वो काट के दूंगा और वो चिपकाएगा अपने एक्टिविटी पे। ठीक है? ठीक है। अब तो ठूस है ये, थोड़ा होमवर्क कर लिया इसने जैसे जैसे मैंने बोला था। सरप्राइज लेके नहीं आऊंगा तो मामला खराब हो जाएगा। कल इसके लिए एक पेंसिल लेके आया था मैं, बहुत अच्छी वाली जादुई पेंसिल। और आपकी कैप कहाँ है इतनी ठंड में? तो सारी फिनिश कर देगा नहीं तो अभी। एक्टिविटी का भी करना है? नहीं एक्टिविटी का बाद में करते, पहले होमवर्क पूरा। अरे नहीं नहीं चलो 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 तो ठीक है जाओ। देखो मेरे हाथ कितने ठंडे हो रहे देखो। जब कन्नू मुझे छोड़ के चले जाएगा तो नंगे पैर जाएगा चप्पल पहन के जाएगा? टोपे के बिना नंगे पैर जाएगा, यानी कि हमारा नुकसान करेगा। तो नुकसान तो उसमें आप ही का होगा जब आपको ठंड लगेगी सर्दी लगेगी। अंशी को भी ले जाएगा, ताई को भी ले जाएगा, मम्मी को भी ले जाएगा। तो मेरी माँ बना देगी रोटी? तो माँ को भी ले जाएगा। फिर रोटी को बनाओगे मेरी? किले बनाओ रोटी में? तो हमें किले को रोटी खानी पड़ेगी जब हमें छोड़ के चल जाएगा, सबको साथ लेकर चल जाएगा। मैं तो इसके साथ कभी भी नहीं जाने की नहीं। लो वो भी तुम्हारे साथ जाने की नहीं, फिर क्या करेगा? अच्छा तुम उससे नाराज क्यों हो कि वो सो रहे हो? मैंने क्या किया?
मैंने इसलिए धमकाया था कि तुम ना वो सारा तुमने जो ग्लूकन तुम्हारे लिए लगा था तुम सारी दीवार पे लगाने लगे थे, इसलिए मैंने तुम्हें धमकाया था। अगर बच्चे गलती करे तो उनको धमकाना नहीं चाहिए, और अगर उनको धमका देते हैं तो वे नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और पापा को छोड़ के चले जाते हैं। ये मेरा बेटा ऐसे ही कहता है। बिल्कुल लाल करता हूँ अभी तो वैसे बिल्कुल भी नहीं लाओगे तेरा पापा तो ला के दे रहा, मेरे पापा ने तो मुझे पढ़ाया भी नहीं, तुझे तो पढ़ा दिया। तो आज बॉबी के पास आया हूँ और पूछना हूँ बॉबी से कि बस यही खाने में आज क्या बनाया है। आज अंशी ने राजमा बनाया था, राजमा वाकई में ही लाजवाब बनाया था, बहुत ही अच्छा, मतलब समझ गए होंगे यार है नहीं अब मेरे लिए। तो अब मैंने मसूर की दाल बनाई है, सुबह तो राजमे से खा लिया था सबने खाना, और अब मसूर की दाल से खाना खा लीजिए आप सभी। जो अंशी ने राजमा बनाया था वो सब खा गए, खा गए, खत्म कर दिया, बिल्कुल एक दाना भी नहीं बचा। सर आ गए ताऊ जी वानिका को खिलाने के लिए, और ताऊ जी का भी नंबर आ जाता है। वानिका ने थोड़ा सा मेकअप कर लिया अपना और गोदी में बैठ चुकी है ताऊ की, और अब बात करेगी। सब सोच रहे थे कि सुला दो, पर नहीं, अपनी मर्जी से सोएंगे हम, ऐसा थोड़ा ना सोती है। तो भाई साहब इधर ये होमवर्क कर रहा है अपने स्कूल का, जरा उस पर ध्यान दे लो। थोड़ा बॉक्स रखे है टेबल, उस पर बैठे बैठे थक गया तो सोचा लेट कर लिखूंगा, कभी बैठ के लिखूंगा। पढ़ाई करते करते बच्चे बहुत थकते हैं और नींद तो बस भागी भागी आती है। हाँ कह रहा है मुझे, और ये देखो वानिका बैठ गई अपने भाई की टेबल पे, और भाई जब ये पढ़ा करेगी ना तो इससे पहले अपना होमवर्क पूरा करके दिखा दे करेगी मुझे वानिका। क्यों वानिका देखने के लिए वानिका मेरी टेबल पे कैसे बैठी है। ये अपनी जब हम इसकी बहन का लाड़ करना शुरू कर देते ना तो इसे भी लाड़ आता अपनी बहन का। कन्नू के पापा करा रहे कन्नू का होमवर्क, और ये है ना बार बार बहाने मिलाता रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, एक्टिविटी वर्क करना है, और उसके बाद मम्मी इधर वानिका को खिला रही है और मैं बाहर कुछ काम कर रही थी, तो इसीलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे वीडियो इनकी बना नहीं पाई थी, और काफ़ी देर हो गए थे इनको ऐसे काम करते करते। और हम वहाँ पे भी घूमे हैं कन्नू के पापा की पाठशाला में, फिर उसके बाद में घेर में भी गए थे, वो भी हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे। रात को 10 बजे खाना खिलाया जा रहा है कन्नू को बैठ के, भूख लग रही थी सभी। अब आई इसको रोटी याद जब सोने का टाइम हो गया सबके, इससे पहले रोटी याद नहीं आ रही थी, पर खाना भी ये इस वजह से खा रहा बैठ के क्योंकि यहाँ पे आगे मेरा फोन रखा हुआ है जिस वजह से खाना खा रहा है ये, नहीं तो ये अभी भी फिर से वही वाली बात शुरू होगी इसके लिए कि फोन देख के ही खाना खाया जाएगा। और इधर जो हमारी बिटिया है उसको उसकी मम्मी ले रही है और खिला रही है। तो जी चलिए खैर इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं आज, और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।